देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमने लगातार प्रयास किया और प्रदेश सरकार के पास जो अधिकार था या जो पावरें थी, प्रदेश सरकार ने हमारी पेंशन हूबहू बहाल की है और हमें सचमुच वैसी ही पेंशन मिलनी अब शुरू हुई है जो जिसके लिए हमने संघर्ष किया। एक जो पैसा हमारा केंद्र सरकार के पास है, वो पैसा जो है अब केंद्र सरकार के अधीन है, NSDL के पास है। उस पैसे को वापस लाना या हमें वो मिलेगा कैसे, तो इसके ऊपर केंद्र सरकार का अधिकार है। हमने लगातार कोशिश की है, केंद्र सरकार से पत्राचार भी हम कर रहे हैं, सांसदों के माध्यम से भी अपनी बात रख रहे हैं, प्रदेश सरकार के माध्यम से भी रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो है प्रधानमंत्री महोदय को केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उम्मीद करते हैं ये पैसा हमारा जल्दी हमें मिलेगा। अगर ये पैसा हमें जल्दी नहीं मिलता तो हम 1 अक्टूबर को जो है दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, उस रैली का हिस्सा हम बनने जा रहे हैं और आप देखेंगे 5-7 लाख के आसपास कर्मचारी जो है वहाँ पहुँचेंगे और जिसका उस रैली का उद्देश्य यही है कि पूरे देश में एक तो पेंशन बहाल हो और जिन राज्यों में 5-6 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है उन सब राज्यों के कर्मचारियों का जो है पैसा वो वापिस आए। आप सबको पता है प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई है और इस आपदा के समय में प्रदेश सरकार को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। बहुत सारे समाज सेवी जो 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 इस समय जो है सरकार की सहायता भी करने के लिए आगे आएँ, उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के कर्मचारियों का और प्रदेश सरकार का लगभग जो है 10,000 करोड़ जो है इस समय ये कह सकते हैं या निजी हाथों में है या केंद्र सरकार के अधीन है। उस पैसे को अगर केंद्र सरकार वापस लौटाती है या वो पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आता है तो कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों के खाते में डाला जा सकता है और सरकार का पैसा जो है इस आपदा के समय उसको प्रदेश हित में जो है वो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जल्द हमारा वो पैसा लौटाया जाए। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि पहली कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमारी पेंशन बहाल की थी और उसके बाद अधिसूचना भी हो चुकी थी और अब जो है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हुई है, जिसमें हमारे पहले श्री चिंताराम जी, श्री सरदारी लाल जी का पहले दिन ही 2 केस सेटल हुए थे और लगभग 27,000 और 29,000 के आसपास जो है दोनों साथियों को पेंशन उनको जारी हुई है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और अन्य सभी जो हमारे कर्मचारी रिटायर हुए उनको भी बधाई देता हूं। जिन भी साथियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो एक स्ट्रगल था उसके दौरान, उस संघर्ष के दौरान साथ दिया, उन सबका धन्यवाद करता हूं और उसके बाद भी निरंतर प्रतिदिन जो है 3-4 केस जो है हमारे पेंशन के वो सेटल हो रहे हैं, जिसके लिए मैं हमारी प्रदेश सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। विद्युत विभाग से संबंधित भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर दी है और अधिसूचना जो प्रदेश सरकार की ओर से होनी थी वो हो चुकी है। थोड़ा सा विभागीय स्तर पे कुछ दिक्कतें रही, जो उनके सेक्रेटरी महोदय थे या जो उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, बीच में उनको छुट्टी पे जाना पड़ा था और भी छोटी छोटी जो दिक्कतें थी वो थी। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 10-15-20 दिनों में जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।